अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लाए हैं। ये है चना चाट की रेसिपी। तो गाइस, ये बहुत ही डिलीशियस सी और बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये झटपट से बन जाएगी। तो गाइस, टाइम जाए के बगैर चलते हैं हमारे किचन में और रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास हैं वो है दो कप मेरे पास छोले हैं, या मेरे पास थोड़े से पापड़ी है। उसके बाद मेरे पास 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और 1.5 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है। उसके बाद मेरे पास थोड़े से धनिया कटी हुई है, 1 चॉप्ड अनियन है, थोड़े से हरी मिर्चें कटी हुई हैं। उसके बाद मैंने 2 आलू बॉयल कर लिए थे, उसको मैंने थोड़ा काट के रख दिया, और 1 टमाटर को काट के रख दिया। उसके बाद मैंने 1/2 कप मैंने ग्रीन चटनी ले ली है, 2 टेबल मैंने लेमन जूस ले लिया, और मैंने बीच में 1 कप में इमली का पानी ले लिया। ठीक है, तो अब इसको हटा लेते हैं छोले के साइड पर, और एक बड़ा सा मैं बाउल ले लूँगा, उसके अंदर मैं छोले डालूँगा। इसके अंदर छोले डालने के बाद ये देखिए, पहले आराम से सारे छोले इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हम छोले डालने के बाद सारी सब्जियां थी, प्याज टमाटर वगैरह हरी मिर्चें वगैरह वो डालेंगे। ये देखें, ये सारा डाल दिया। अब वो डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे इमली का पानी। ठीक है, इमली का पानी ये देखें, इसके अंदर मैंने पानी मिला के बहुत ही मज़े का बना हुआ पानी, खट्टा पानी है इमली का। ठीक है, ये डाल दिया इसके अंदर। अब उसके बाद जो मेरे पास मसाले थे, ड्राई इन्ग्रीडियंट्स, वो डाल दिए। ये देखें, ये भी डाल दिए सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डाल दिए। अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस, 2 टेबल स्पून लेमन जूस इसके अंदर जाएगा। ये देखें, वो बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, इसको मतलब झटपट बन जाएगी, कोई इसमें टाइम नहीं लगता। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, इन चीज़ों को डालने के बाद हम इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नीचे सारे छोले हैं तो उनको मिक्स करके मैं ऊपर ले आया हूँ। उसके बाद जो मेरे पास 1/2 कप मेरे पास ग्रीन चटनी थी, पुदीना धनिया वगैरह जो हरी मिर्चें मिला के मैंने चटनी बनाई थी, वो डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये देखें, ये मैंने चटनी डाली इसके अंदर, 1/2 कप ग्रीन चटनी। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, और कुछ भी नहीं, ये देखें हमारी चना चाट रेडी है। देखें, झटपट से बन गई, पता भी नहीं चला। और मैंने यहाँ साइड में मैंने ले लिया थोड़ी सी गोभी, ले लिया बंद गोभी काट के, उसके साथ मैंने जो पापड़ी दिखाई थी वो रखी है। तो गाइस, ये देखें, बस डन, हमारी चना चाट तैयार है, कुछ भी नहीं था। तो गाइस, ये देखें, इसके ऊपर बस पापड़ी लगा के थोड़ा सा ऊपर मैं इसको पापड़ डालूँगा। होममेड पापड़ी है, ठीक है, बाज़ार की नहीं है, घर पे बनाई है। तो गाइस, ये देखें, झटपट सी हमारी पापड़ी वाली चना चाट रेडी है। तो गाइस, ये देखें, आपको मैं इसको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, वाओ, बहुत डिलीशियस लग रहा है। तो भाई गाइस, 2 से 3 मिनट के अंदर झटपट चना चाट रेडी। गाइस, चना चाट रेडी है। तो देखते हैं कैसी बनी है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। भाई बहुत ही आला, बहुत मज़े की चना चाट बनी है। और ये जो इसका इमली का जो पानी का फ्लेवर आ रहा है ना, ये बहुत मज़े का आ रहा है, स्पाइसी खट्टा मीठा सा फ्लेवर आ रहा है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।